पूछता है, अरे आप कैसा जो है मुझे ऐसा बोलते हो? क्योंकि वहां पर प्रश्न आता है, तो क्रम है शास्त्र तक पहुंचाने के लिए, वो सब क्रम है। कोई रास्ता जो है, दूसरा रास्ता जो है, हम लोगों को ज्ञान दे ही नहीं सकता है, मोक्ष दे ही नहीं सकता है। अज्ञान से जनित जो ज्ञान, ये जो जीवत्व है, वो कैसा अन्य साधना से जो मिट सकता है? श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तत्साधनं च दर्शयति कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेन विशेषतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात् स्वतंत्रीकरणाय च। तो ज्ञानोत्पत्ति निमित्त के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त पाने के लिए जो है, हमारा चित्त शुद्धि तो करना ही पड़ेगा, चित्त को शुद्ध करना ही पड़ेगा। मलिनो ही यथा दर्शो रूपालोकस्य नक्षमः तथा विपक्वकरणः आत्मज्ञानस्य नक्षमः। मलिनो यथा आदर्शः रूप आलोकस्य न क्षमः। जब मैला है आदर्श में, आईना में, तब जो है वो प्रतिबिंब करने के लिए क्षमता उसमें नहीं रहता है। तो वैसा ही क्या है, तथा विपक्व करणः, जब अंतकरण जो है पक्व रहित, विगत पक्वम विपक्वम, तो अंतकरण जो है पक्व रहित है, शुद्ध रहित है, मलिन सहित है, तब क्या है, आत्मज्ञानस्य न क्षमः। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें क्षमता बिल्कुल नहीं हो सकता है। तथा अविपक्व, विगत पक्व कारण हो जाएगा, कोई बात नहीं है, विपक्व कारण हो जाएगा। तो आत्मज्ञानस्य न क्षमः, ये सब जो है यथा विद्या जहाँ ऐसा जो है बताया वैसा हो जाएगा। यथा विद्या जो है, यथा अविद्या दोनों जो है भिन्न भिन्न है, यहाँ तो अर्थ नहीं भिन्न होता है, तो कोई बात नहीं। आचार्य उपासनम वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता सत्कर्मणामनुष्ठानम संगः सद्गिरः शुभाः स्त्री आलोक आलम्भ विगमः सर्वभूतात्मदर्शनं त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाशाय धारणं विषयेन्द्रियसंरोधः तन्द्रालस्य विवर्जनं शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्व अगधर्षणं नीरजस्तमसा सत्त्वशुद्धिर्निस्पृहता शमः एतैः उपायैः संशुद्ध सत्त्वयोगी अमृतो भवेत्। ठीक है, देखते हैं। आचार्य उपासनम, क्या क्या साधना है ये चित्त शुद्धि के लिए? चित्त शुद्धि बता दिए है, तो इस शास्त्र का जो है, पहले से बता रहा हूं, शास्त्र का यही जो है एक विशेषता है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए बोल के हमें जो है बीच रास्ते में नहीं छोड़ता है, वो कैसा होना है उसका रास्ता भी दिखा देता है। क्या बता रहे है, आचार्य उपासनम, पहले जो है आचार्य उपासनम, गुरु उपासना, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति रहित किन जो भी है उनको जो है मोक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको ही बताने के लिए अंतिम श्लोक जो पहला श्लोक रूप में हम लोग जो है सब प्रकरण ग्रंथों में बताते हैं,
पहला श्लोक रूप में जो है मंगलाचरण करते ही जो है यथा देवे इत्यादि जो है करके हम लोग कह देते हैं, मगर ये अंतिम श्लोक में जाते वक्त जो है एक बार दिमाग में डाल के जाते हैं, वो रहित उनको जो है कोई कोई भी मदद नहीं कर सकते। आचार्य उपासनम, इसलिए मुख्य रूप में जो है बताए गुरु उपासना, गुरु सेवा। वेद शास्त्रार्थ से गुरु उपासना मतलब क्या है? गुरु उपासना मतलब जो है गुरु जी का एक फोटो रख के दोनों रोज जो है माला चढ़ना चढ़ाना या पूजा करना, ये बात। या गुरु जी जब रहते हैं तब फोटो में फूल नहीं चढ़ाते, वो बात नहीं है। नहीं, हम लोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो है नहीं, एक विदेशी चेला जो है मुझसे जो पढ़ रहा था 6 साल तक, वो एक बार जो है मेरा फोटो लैमिनेट करके लेके आ गया, उसके लिए माला लेके आया, हाथ में हथौड़ी एक कील भी लेके आ गया, इसको कहीं टांग दूंगा। तो लेके आके पूछा कहाँ? जहाँ जो है तुम्हें मर्जी है वहाँ। तो उस कोने पे टांग दो। नहीं नहीं, उस कोने पे जो है सबको दिखाई नहीं देगा, वो सीधा जो है यहीं टांगूंगा, ट्राई करके देखो। वो मार के देखा हथौड़ी तो नहीं चल रहा था, तो क्या करे, ठीक है इस जो पुस्तक का अलमीरा है उसके ऊपर रख दो। ठीक है, रख दिया। और ये माला कैसा रखूँगा, मैं बोल के बता रहा था, मैं हंस रहा था। हाँ ठीक है माला लगा दो बोल के बता रहा था। तो क्यों हंस रहे हैं तुम? पहले माला लगाओ तभी बताऊंगा मैं। तो माला लगाने के बाद जो, क्योंकि मैं तभी बता दिया तो माला नहीं लगाएगा, वो माला चाहिए। तो उसको जो है बिठाया, उसके बाद बताया मैंने, देखो मरने के बाद जो है हमारा यहाँ रीति रिवाज है माला टांगना है। अरे आप पहले बोलना चाहिए, इसलिए बोला नहीं, अभी बताओ, वो मर गया है कोई बात नहीं है। तो ये बात मतलब ये सब हम लोग को समझना क्या है, आचार्य उपासना मतलब क्या है, गुरु सेवा, गुरु सेवा मतलब क्या है, मतलब टाइम पे। अच्छा अभी जो है समय हो गया उनका जो है दवाई खाने का, उनका जो है खाना पी खाने का इत्यादि जो है, ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये जो है निकृष्ट रूप सेवा है। जैसा एक एक करके जो उत्तम कोटि में लेके जाते हैं, वैसा निकृष्ट रूप सेवा है। गुरु का उत्तम रूपी सेवा क्या है? गुरु वचन अनुकरण, दूसरा कुछ है ही नहीं है। बकाई सब जो है बेकार का है, आप बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, मगर गुरु जी का जो शास्त्रोक्त जो पद्धति वो जो बताते हैं उसको आप अनुकरण कर रहे हैं, तो गुरु जी स्वयं जो है संतुष्ट होंगे। अरे दवाई नहीं दिया, शास्त्र पढ़ रहा है ना, पढ़ने दो उसको, करने दो, वो करने दो, बोल के जो है वो स्वयं संतुष्ट होंगे। इसलिए आचार्य उपासना वो मुख्य बात है। वेद शास्त्रार्थस्य विवेकता, तो इसलिए कह रहे आगे आचार्य उपासना का तात्पर्य किसमें है? वेद शास्त्रार्थस्य विवेकता, वेद शास्त्र, वेद शास्त्रार्थस्य वेद रूपी शास्त्र या वेद और शास्त्र, उसका जो है विचार और सत्कर्मणामनुष्ठानम, उसके पश्चात जो है सत्कर्मों का अनुष्ठान। सत्कर्मों का मतलब जो भी जो है सत की और प्रवृत्ति करवाने वाले है वो सब कर्मों का अनुष्ठान, ये पहले अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? वेद शास्त्रार्थस्य विवेकिता कह दिया है, विचार करना है। विचार करना है मतलब किसके बारे में करना है? सद विषय के बारे में। सद विषय मतलब ब्रह्म, संतम येनम ततो विदुरति अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद, कह के हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं। तो वो सत स्वरूप ब्रह्म का विचार जो है वही यहाँ पर सत्कर्मणाम अनुष्ठानम, उसका विचार ही यहाँ अनुष्ठान है। संग है, साधु के संग, साधु लोगों का संग, और सद्गिरह शुभाह, सद्गिरह शुभाह, अच्छी वाणी ही जो है बोलना, अच्छी वाणी ही सुनना इत्यादि जो है वहाँ पर तात्पर्य आ जाएगा। स्त्री आलोक आलंभ विगमः, स्त्री आलोक आलंभ विगमः, स्त्रियों को दर्शन करना या स्त्रियों को जो है चूना इत्यादि जो है वहाँ पर निराकरण किया है। विगमः, विगतगमः मतलब वो नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। अभी साधु एक स्त्री है, ये जो
यहाँ पर जो साधना करने वाले हैं या जो ये जो शास्त्र पद्धति पे जो जाने वाले वो स्त्री है, तब पुरुष का उतना नहीं है। ये जो है उपलक्षण मात्र है, स्त्री को उपालंबन नहीं करना है या जो है चूना नहीं है इत्यादि, मतलब क्या है, स्त्री को सिर्फ नहीं है पुरुष को भी। इसलिए शास्त्र में क्या करते हैं, बच्चों तक जो है चूना नहीं चाहिए कहते हैं, सन्यासी जो है बच्चों को चूना नहीं चाहिए, किसी को अनर्थ शब्द सुनना नहीं चाहिए। चून यहाँ पर वो भी जो है क्या है, इसके बारे में सब इंद्रिय के साथ संबंध करना चाहिए। आलंबन मतलब सब सिर्फ जो है चूना, ये बात नहीं है, उसके बारे में सुनना, उसको देखना, उसको जो है सूंघना, ये सब जो है जो जो विषय के बारे में आता है वो सब जो है यहाँ पर संबंध करके ले आना, नहीं तो जो है गड़बड़ है। क्योंकि मैं तो चूहा नहीं है, बात ही तो कर रहा था, तो बात में तो तुम्हें मजा आ रहा है, तो गड़बड़ है। तुम्हारा दिमाग संस्कार किस में है, उसी में है, और संस्कार को जो है दृढ़ कर रहे हैं। हमारा शास्त्र में ये मुख्य बात है, बाहर का कर्म जितना जो है करके आपको जो है पुण्य पाप मिलेगा, उतना ही मिलेगा अंदर का कर्म करके। ये तो वाणी में आ गया है, वाणी में नहीं आया तो भी मन के मन जो है आप कर रहे तो तब भी वही कर्म पुण्य पाप मिलेगा। क्यों पुण्य पाप मिलेगा, क्योंकि संस्कार तो दृढ़ कर रहे हो। जो भी विषय है दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा, मन के अंदर जो चोरी कर रहे हैं दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा, मगर हमें तो पता है। एक दूसरा क्या है, उसके संस्कार दृढ़ हो रहा है। तो ये दो बात क्यों है, संस्कार दृढ़ हो रहा है एक ही बात से जो है काम चल जाएगा नहीं, दूसरा बात हमें पता है, मतलब क्या है, बाहर जो है बहुत बड़ा भक्त जैसा व्यवहार करेगा, अंदर जो है ढोंगी है, तब क्या है, यहां पर ये द्विधा हो जाती है। ये अपने में मतलब उसको मालूम है, जब जो है वो वैराग्य के बारे में बात करेगा, अंदर जो है ऐसा जो है मलिनता मेरे अंदर है उसको मालूम है, तो वो पूर्ण रूप से किसी में भी व्यवहार नहीं कर सकते। सब इंद्रिय के साथ संबंध है वो, और सबके साथ संबंध है, स्त्री मात्र नहीं है पुरुष को भी जो है वहां चूना इत्यादि जो है निराकरण किया है। मतलब उनके बारे में क्यों विचार करते हो, अपने बारे में विचार करो, बात है उतना ही है। सर्वभूतात्म दर्शनम, ठीक है, मतलब नहीं, बगल में नहीं आओ, ये जो है और एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नहीं है यहां पर सर्वभूत आत्मदर्शनम, सब भूतों में जो है अपने को देखना। अभी इनको चूना है मतलब ऐसा ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे, ये क्या है उसमें, अरे मुझसे अभिन्न है, ये मुझसे अभिन्न है, मतलब इसका कोई जरूरत है क्या। जैसा जो है रमन महर्षि के समय पे एक श्रृंगेरी का जो है पीठाधीश आए हैं, तो रमणाश्रम में क्या है वहां पर शिवलिंग स्थापना कर रहे के हैं माता के मंदिर में, जबकि जो है विधि नहीं है, स्त्री का जो जहां पर स्त्री का समाधि गढ़ा गया है उस स्त्री का समाधि के ऊपर शिवलिंग स्थापना करने का कोई विधि नहीं है, और यहां पर कर रखे हैं। और यदि रमण महर्षि को जाके मिलना है तो भी क्या है, उस समाधि को पार करके ही जाना पड़ेगा, तो नामुमकिन है वो, नहीं हो सकता है। ये जो सन्यासियों के लिए श्रृंगेरी पीठाधीश्वर क्यों ना हो, सामान्य सन्यासी के लिए भी जो है निषिद्ध हो जाएगा, तो क्या करे। तो इन्होंने क्या किया है, निषिद्ध कर्म आचरण कर रहे हैं, इसलिए जो है जो जो वहां जा रहे हैं उनको सब मैं बहिष्कार करता हूं बोल के एक आह्वान कर दिया, मैं बहिष्कार करता हूं। तो ये जो ब्राह्मण लोग जहां श्रृंगेरी के साथ भी संबंध है और घाट के साथ भी, घर के साथ भी और घाट के साथ भी, तो ये जो कुत्ते लोग क्या दोनों तरफ जो है ना घर का ना घाट का हो जाएंगे। तो रमन महर्षि के पास जो है आके पूछते क्या करना है, क्या करना है, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, किसको जो है तुम मुख्य तो देना है, तुम्हें तय करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो क्या कर दिया भगवान, वो जो बताए वो ठीक ही है, गलत नहीं है, जब तक जबकि इनका जो है निराकरण कर बहिष्कार कर रहे हैं तब कह रहे वो ठीक ही किए है, वो पीठाधीश है वैसे ही करना चाहिए, आपको यदि नहीं आना है तो आपका मर्जी है, आप ठीक ही कर रहे, तब भी आप जो है ठीक ही कर रहे हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, तो ये करके कह दिए चले गए। तो वहां पर जिस आश्रम में रहे थे वहां से जो है परिक्रम करने के लिए
ये श्रृंगेरी पीठाधीश जा रहे थे, तब वहाँ उनका पाद प्रक्षालन इत्यादि करवा रहे थे आश्रम के लोग। तो अंदर रमन महर्षि बैठे हैं, ये बाहर है, दोनों मिले नहीं हैं। तो कैसा है, वैसा है, ऐसा है, इनको कैसा मिलाना है, ये सब जो है इनके दिमाग में चल रहा है। मतलब इन दोनों को मिलवा दिया तो अपना जो है लाइन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये कैसा है वैसा है बोल के जो है सोच रहे थे, मगर दोनों मिले नहीं हैं। वो अपने जगह पे बैठे हैं, ये अपनी जगह पे खड़े हैं, वो अपना परिक्रमा करने के लिए चालू हो गए। दोनों से अलग अलग भिन्न भिन्न समय पे या समय सेम समय पे जो है पूछ रहे थे, आप जो है उनका दर्शन नहीं हुआ, आपका दर्शन उनको नहीं हुआ है, आपके बीच में कुछ वार्तालाप नहीं हुआ है, हम लोग जो है उसका इच्छुक थे। तो दोनों जो है एक ही जैसा बात करके बोल रहे, जैसा एक ही बात कह रहे, कौन बताया, बात नहीं किया, हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा संवाद हुआ है, कौन बता रहे हैं। तो ऐसे बात है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सर्वभूत आत्मदर्शनम, अपना आत्म स्वरूप में ही जो है सब विषय को देख रहे, ऐसा नहीं है चुना नहीं है, वो बात नहीं है यहां पर। त्याग परिग्रहानां च, त्याग है किसका, त्याग है, त्याग मतलब बहुत बढ़िया शब्द है, त्याग है इतना काफी है, परिग्रहानां च ये जोड़ दी है, क्यों, मैं सब छोड़ छाड़ के आ गया, अभी सब छोड़ छाड़ के आ गया, मैं संन्यास लेने के लिए सब छोड़ छाड़ के आ गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, क्या था, तुम राजा था या जो कुछ बड़ा ऑफिसर था? नहीं 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 नहीं, मेरे पास 2 रुपए था, वो 2 रुपए जो है ट्रेन टिकट के लिए, बस टिकट के लिए आ गया, वो उसमें जो है 1 रुपए टिकट खरीद लिया और 1 रुपए में जो है कुछ मूँगफली खाया, बस ये 2 रुपए इसके पॉकेट में था, उसको छोड़ छाड़, वो भी खर्च कर दिया, उसको छोड़ छाड़ के आ गया। तो ये बात नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं, परिग्रहानां च त्याग है, जो परिग्रह है इकट्ठा कर रखे है, कुछ कुछ साधुओं का जो है देखा हूँ, कमरे के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, कमरे के बाहर रहते थे, एक बार जो है कह रहे थे यहाँ कोई जो है ऐसा, उनका कमरे में पैर रखने के लिए भी जो है जगह नहीं रहता है, वो कमरे के बाहर ही रहते हैं। मैं देखा हूँ भाई, उससे जो है एक एक कमरा जो है भर के दूसरा कमरे में उनको जाना पड़ता है, पूरा सामान को तो दूसरा कमरे में लेके नहीं जा सकते है, ये जो है दूसरा, आप वहाँ थे अभी यहाँ किस इस कमरे में, नहीं 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 उस कमरा जो है अनुकूल नहीं पड़ रहा है, क्यों अनुकूल पड़ेगा, वो कमरा पूरा जो है भर रखा है। तो ये बात नहीं है, परिग्रहानां च त्याग है, जो परिग्रह है उसका त्याग, और तू क्या है, जीर्णकाशाय धारणम, जीर्णकाशाय धारम, यति धर्म संग्रह में जो है ये जो बात बताई है याज्ञवल्क्य के स्मृति से ले, स्मृति को लेके जो है यहाँ सब, वहाँ सब जो कोट किया है ऐसा भिन्न रूप से नहीं मिलता है, वहाँ जो कोट किया है उसको जो है यहाँ पर बता रहे हैं। और इसको लेके जो है एक श्रृंगेरी में जो है एक रामानंद सरस्वती या रामानंद तीर्थ या रामानंद भारत है, रामानंद सरस्वती है उनका नाम शायद, तो उन्होंने जो है एक संग्रह लिखे है यति धर्म का, तो यति धर्म पद्धति उस नाम से, तो उसमें क्या कहते हैं, इसको सब जो है प्रमाण लेके बताते हैं वहाँ पर, आधुनिका नाम इत्यादि जो है प्राप्त करके कहते हैं, जो आधुनिक एक परंपरा चल रही है कि गुरु पूर्णिमा का दिन जो है गुरुजी को नया कपड़ा देना है, नया कपड़ा देना है, और नया कपड़ा में ही जो है गुरुजी भी आते हैं, ये निषिद्ध है कहते हैं, निषिद्ध है ये, और निषिद्ध तब क्या कहना है, तो क्या पहनना है, कुछ कपड़ा ही नहीं पहनना है क्या, तो कहते हैं नहीं है, जीर्ण काशाय धारणम, जो फटे फुटे जो कपड़ा है उसको सिला के जो है उसका उसको काशाय करके उसी को धारण करना चाहिए, जीर्ण काशाय धारणम। मगर आजकल जो है ये सब जो है अनुकूल नहीं पड़ता, एक बात, दूसरा जो है आपका वाणी का मर्यादा नहीं रहता है, यदि आप फटे फुटे कपड़े में जाएंगे तो आपका वाणी का मर्यादा नहीं रहता है, आप जो है बड़े आदमी स्थापित होने के पश्चात जो है आप कुछ भी नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जो है आपका वाणी सब सुनेंगे, यदि आप फटे फुटे कपड़े में जब अलंकार करके जाएंगे तब भी जो है नहीं सुनते हैं। अभी जो गोल्ड बाबा इतना सोना पहन है इसलिए जो है उनके पीछे इतना भीड़ है, हाँ इतने भीड़ है,
जो सिंपल सादी सी जो महात्मा कोई जो है रहते है, फ्लाइट में जो जा रहे हैं, अरे कुछ तो होगा, उनका तो अपना फ्लाइट है, कुछ तो उनमें होगा। हम लोगों का ये जो कुछ तो, ये जो दिमाग है, ये जीर्ण काशाय धारण, इस समय का जो है बात नहीं बनता है। विषयेन्द्रिय संरोधात, विषयेन्द्रिय संरोध है, और इतना ही नहीं है, विषय इंद्रिय संरोध है, इंद्रियों को जो है तत् तद विषय से जो है संरोध करना, अवरुद्ध करना। तंद्र आलस्य विवर्जनम, तंद्र आलस्य इत्यादि जो है रहित रहना है, बहुत अहंकार युक्त रहते हैं वो सब नहीं रहना चाहिए, वो सब जो है छोड़ना है, अहंकार युक्त अरगंस। शरीर परिसंख्यानम, शरीर परिसंख्यानम, तो ये जो शरीर है इसके बारे में ही जो है विचार करते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो शरीर परिसंख्यानम, प्रवृत्ति प्रवृत्तिषु अघदर्शनम, और आगे जाके प्रवृत्तिषु अघदर्शनम, प्रवृत्ति में हर एक प्रवृत्ति में है दोष देखना है, अघ पापम दोष दर्शनम, पाप ओघ परिधूयताम, पाप ओघ अघ ओघ ठीक है, अघदर्शनम। नीरजस्तमसा सत्वशुद्धिर निस्पृहता, नीरजसा नीरजस्तमसा निर्गत रजस्तम, मन जो है कैसा रहना चाहिए, रजोतम मल से जो है वीक्त होना चाहिए, और उतना नहीं है सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धि प्राप्त होना चाहिए, और निस्पृहता होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी विषय में जो है स्पृह इच्छा नहीं रहना चाहिए। शमः, और मन का अभी बाह्य इंद्रिय का जो है आप बता दिए है, अभी मन का भी क्या है, दंड निग्रह होना चाहिए। ये तैहि उपायैहि संशुद्ध संशुद्ध सत्व योग्य मृति भवेत, सत्व योग्य मृति भवेत नहीं है, योगी अमृति भवेत है वो। हाँ, ये तैहि उपायैहि, ये सब उपायों से क्या संशुद्ध है, जो जिनका मन जो है शुद्ध हो गया है, संशुद्ध सत्व, वैसा सत्व मतलब मन है, अंतकरण है, तो जो जिनका मन जो है शुद्ध हो गया है वैसा योगी क्या है, अमृति भवेत, अमृति भवेत, तो वो जो है अमरत मरण रहित हो जाता है, नित्य हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोकाः सूत्राणि भाष्यानि यच्चान्यत्वाङ्मयं क्वचित्। वेदानुवचनं यज्ञः ब्रह्मचर्यं तपोदमः श्रद्धा उपवासस्वातन्त्र्यम् आत्मनो ज्ञानहेतवः, आत्मनो ज्ञान हेतवः, अंतिम में जो है वही बता रहे हैं, आत्मनो ज्ञान हेतवः, ये सब जो है आत्मा स्वयं जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है मार्ग है, क्या है, यतः वेदाः पुराणानि, वेदाः पुराणानि, वेद पुराण विद्या उपनिषद, वेद पुराण विद्या उपनिषद, उसमें जो ज्ञान स्वरूप जो विषय बताया है वह तथा वैसा ही श्लोकाः जो है भिन्न भिन्न श्लोक, श्लोक रूप में जो जो है ग्रंथ कृति है वो सब है। सूत्राणि सूत्र, और सूत्र के सहित भाष्यानि भाष्य, सूत्र के सहित भाष्य, भाष्य मतलब क्या है, बाकी सबको जो है कुछ व्याख्या नहीं किए है, भाष्य मतलब क्या है उसको जो स्पष्ट करने के लिए भाष्य का लक्षण दे रहे हैं। सूत्रस्थम पदम आदाय पदैः सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः, ऐसा जो है करके वहाँ पर आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते वक्त पहले जो है यही पढ़ाएंगे लक्षण, दूसरा कोई भी जो है टीका क्या है टिप्पणी क्या है इसका लक्षण मालूम नहीं है, इस भाष्य का लक्षण मालूम है। यहाँ पर अभी देखिए क्या बता रहे हैं, सूत्रस्थ को जो है मूलस्थ कर लीजिए, सामान्य जो है सूत्रस्थ ही है मगर हम लोग क्या है मूलस्थ कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये इसको भाष्य नहीं कह पाएंगे, तब
यदि सूत्रस्थ कहा तो ये जो है सूत्र नहीं है, यहाँ पर श्लोक रूप है, ये भाष्य नहीं बनता है। तो मूलस्थ, मूल में जो भी है उस पद का क्या करना चाहिए, पदमादाय, उस पद को लेके, वहाँ मूल में जो पद बताया उसको लेके उस पद का जो है व्याख्या, व्याख्या करते वक्त क्या है, पहले जो है वहाँ पर मूंगफली बताया है। मूंगफली मतलब क्या है पता नहीं है, तो या तो यहाँ लोग क्या बेचते हैं, टाइम पास करके जो है बेचते हैं। टाइम पास क्या है पता नहीं है हम लोगों को, टाइम पास के लिए एक व्याख्या है। टाइम पास मतलब थोड़ा मजा लेना है, ऐसा कुछ है। तो समझ में नहीं आया मूंगफली, हाँ अभी समझ में आया, मतलब अपना जो पद टाइम पास उसको समझने के लिए आप एक और पद दे रहे जो इसे भी और मुश्किल है, तो तब जो है वो भाष्य नहीं कहा जाते हैं। तो तब उस पद जो आप व्याख्या दे रहे उस पद के लिए भी जो है व्याख्या देना पड़ेगा, इसलिए क्या कह रहे हैं, सूत्रानुसार भी ही पद ही, वो पद को लेके सूत्र अनुसार वहां जो मूल अनुसार जो है उसका व्याख्या करना है, अपना मनमानी नहीं, तो अनुसार करके तब भी समझ में नहीं आए तो वहां का जो शब्द हम लोग जो प्रयोग किए उसी के लिए क्या है, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, अपना पद को भी जो है व्याख्या जहां देते उसको क्या कहते हैं, भाष्य। तो इसलिए क्या है, भाष्याणि, ये सब भाष्य इत्यादि जो है, यच्छा अन्यद् वाङ्मयम् क्वचित्, और अन्य जो भी शास्त्र है वो सब वेदानुवचनम्, वेदानुवचनम्, वेदानुवचनम् मतलब वेद शास्त्र का अध्ययन, यज्ञ अध्ययन के पश्चात उसमें जो बताया गया कर्म व ब्रह्मचर्यम्, और ब्रह्मचर्य तपः तपस दमः, वहाँ शम बताया पहले, अभी दमह भी बता दिया, उसको छोड़ दिया है, नहीं नहीं उसको छोड़, वहाँ पर इंद्रिय जो है निग्रह पहले बता दिया इसलिए शम शब्द से बताया, यहाँ इंद्रिय निग्रह के बारे में बात नहीं किया इसलिए दमह इंद्रिय निग्रह स्पेशल बता रहे हैं। श्रद्धा और श्रद्धा समर्पण बुद्धि, गुरु ईश्वर शास्त्र इसमें जो है समर्पण बुद्धि होना चाहिए। उपवास, उपवास है, उपवास मतलब सामान्य क्या है, भूखा रहना, तो ऐसा जो है अर्थ एक लिख सकते हैं, या तो उपसमीपे वास है, गुरुजनों के समीप में जो है निवास करना उपवास है। सामान्य उपवास का अर्थ क्या है, भूखा रहना, खाना नहीं खाना इत्यादि, तो अनश्न, तो यहाँ पर क्या है, उपसमीपे वास है, क्योंकि आप भूखा रहने से जो है वो तो ठीक ही है, एक और जो है साधना है ही है वो, मगर यहाँ पर गुरुजनों के साथ रहना ही जो है अधिक श्रेष्ठ है। स्वातंत्र्यम आत्मनः, और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यहाँ पर पहले जो है एक स्वातंत्र्य बताए थे, तो स्वतंत्रीकरणाय च कहके जो है कहा है, वहाँ मोक्ष है, यहाँ पर स्वतंत्रीकरण वो नहीं है, किसी के अधीन में नहीं रहना है ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन परतंत्र नहीं रहना है ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रम आत्मनः। तो अज्ञान हेतव, ज्ञान हेतव, ये सब जो है ज्ञान हेतव, परतंत्र नहीं रहना है मतलब क्या है, सब विषय में जो है इच्छा रहता ही है, वो चाहिए, इसके साथ संबंध चाहिए, ये सब जो है इच्छा सहित जो विषय है अधीनत्व है उसको छोड़ना है, वही बताए है स्वतंत्रम इति। तथा च अथर्वणि विशुद्धि अपेक्षम आत्मज्ञानम दर्शयति, तो कहाँ पर आया था वो,
तदा साधन ज्ञान। नहीं नहीं वो वहाँ जो है वहाँ एक मोक्ष नहीं 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 यहाँ पर राइट साइड में लेफ्ट साइड में राइट साइड में तथा च मोक्षे क्रमम शुद्धि अभावे मोक्ष अभावम वो पद को ढूंढ रहा था मैं लेफ्ट साइड में है बोल के मेरा संस्कार हो गया। तो शुद्धि अभावे मोक्ष अभावम शुद्धि अभाव होने से जो है बिल्कुल मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है उसको। ये 25 में जो है आपको आया है वो जहाँ पर इति करके आगे जो है तथा क्या क्या अभी व्याख्या करने वाले उसके बारे में बताते वक्त कह रहे हैं तथा च मोक्षे क्रमम मोक्ष में क्रम अभी तक क्रम तो देखे हैं अभी शुद्धि अभावे मोक्ष अभावम द्वितीय जो है शुद्धि अभावे मोक्ष अभावम जो बता रहे हैं उसको यहाँ पर ले रहे हैं तथा च अथर्वणे अथर्वणो वेद में जो है वो बताए हैं क्या बताए हैं विशुद्धि अपेक्षम आत्मज्ञानम दर्शयति चित्त शुद्धि रहने से ही जो है आत्मज्ञान हो सकता है इसको दिखा रहा है। जन्मांतर शास्त्रेषु यदा क्षीणास्तु किल्विषाः तदा पश्यन्ति योगेन संसार उच्छेदनं महत् तदा च जन्मांतर सहस्त्रेषु यदा क्षीणास्तु किल्विषाः तदा पश्यन्ति योगेन संसार उच्छेदनं महत् महत् संसार उच्छेदनं तदा पश्यति। क्या कह रहे जन्मांतर सहस्त्रेषु यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः ये जो किल्बिष है ये जो मन का जो क्लेश है वो कैसा जो है जन्मांतर सहस्त्रेषु 26 में क्या बताए है अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चये नाक्षी ने करके जो है आगे अगला श्लोक में क्या बताए है जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी उसी को यहाँ क्या बता रहे जन्मांतर सहस्त्रेषु बीच में तपो ज्ञान समाधि भी यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः यहाँ सीधा जो है जन्मांतर सहस्त्रेषु अनेक जन्मों से जो है एक किल्बिष आपका जो है निकल गया तब कहते हैं वो कैसा निकलेगा तो पहले क्या बताए द्वितीय श्लोक में 26 में जो है द्वितीय श्लोक जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते कहा है वहां किस रूप से वो निकलेगा वो बता रहे हैं तपो ज्ञान समाधि भी तो उसके द्वारा यदा क्षीणास्तु किल्बिषाः जब ये जो मन का जो कलमश है ये अशुद्धि है रजो तमो युक्ति अशुद्धि है वो निकलेगा तब तदा पश्यन्ति महत् पश्यन्ति तब जो है वो ब्रह्म को देखते हैं बृहत्वाद बृहन्नत्वाद ब्रह्म महत् ब्रह्म तो उस महत् ब्रह्म को देखते हैं कैसा योगेन संसार उच्छेदनम ये जो ज्ञान योग के द्वारा जो है संसार का उच्छेदन रूपी वो महत् वो परमात्मा वो ब्रह्म को देखते हैं मतलब ब्रह्म को जब देखते उसी समय नष्ट हो जाएगा वो बताए थे हम लोग तो महत ठीक है उसी को आगे बढ़ा रहे यस्मिन् विशुद्धे व्रजे च चित्ते या आत्मा आत्मवत् पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः यस्मिन् विशुद्धे व्रजे च चित्ते यः आत्मवत् पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः यस्मिन् विशुद्धे विरजे चित्ते यस्मिन् विशुद्धे विरजे चित्ते विशुद्धे विशुद्धे बी उपसर्ग शुद्ध और बी उपसर्ग रज हम लोग पहले ही दो प्रकार का जो है बी उपसर्ग को देखे थे वही यहाँ पर भी है विशेषेण शुद्धे विगत रजे दोनों अर्थ में यहाँ आ जाएगा तो विशेषेण शुद्ध जब अंतकरण है और रज रहित विगत रज रहित जब मल रहित जब रजोगुण नहीं है मल रहित जो मन है तब चित्ते च चित्ते जब चित्त ऐसा हो जाता है तब आत्मत पश्यति जो भी है अपना आत्म स्वरूप से भिन्न रूप में नहीं देखता है यतः क्षीण दोषा कौन ऐसा नहीं देखता है
जो यति है, कैसा यति है, सब यति नहीं है, क्षीण दोषाः यतयः, यति के लिए विशेषण क्या है, क्षीण दोषाः यतयः आत्मवत पश्यन्ति, क्षीण दोष जो यति है वो लोग अपना स्वरूप में ही ये सबको देखते हैं। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन अनाशकेन। तम एतम वेदानुवचनेन, उस ब्रह्म को जो है, तम एतम मतलब ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, ऐसा जो है संबंध करके ना, वेदानुवचनेन वेद अनुवचनेन वेद अध्ययन से, वेदानुवचनेन यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, दानेन दान के द्वारा, हम लोग देखे थे भूदान स्वंतदान इत्यादि महत्दान, तो तपसा तपस के द्वारा, अनाशकेन अनाशकेन जो है, अनाशकेन यज्ञेन अनाशकेन तपसा अनाशकेन ज्ञानेन, ऐसा भी करके विशेषण रूप में ले सकते हैं, या तो अनाशकेन ऐसा जो है अर्थ भेद करके उपवास उस अर्थ में भी ले सकते हैं, अनाशकेन उपवास करके ये जो है नाशरहित यज्ञेन नाशरहित दानेन नाशरहित जो इस तपस इत्यादि से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, या जो है उपवास करके ये प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, क्या कौन करते हैं, विविदेशन्ति वेत्तुम इच्छा विदिशा, तो विवेक उसको जानने के लिए इच्छा करते हैं, कौन, ब्राह्मणाः जो चित्त शुद्ध, चित्त शुद्धि जिनको प्राप्त हो चुका है, शुद्ध चित्त वाले है वह लोग ब्राह्मणाः, ब्राह्मण शब्द शुद्ध चित्त को जो है द्योतक है, तो हम लोग के देखे क्रम में जो है देवता अधिक पुण्यशाली है, अधिक चित्त शुद्धि है, और ब्राह्मण पुण्य में जो है मिश्रित है, पाप मिश्रित है, इसलिए जो है अधिक शुद्ध है मनुष्यों में, उस अर्थ में जो है यहाँ पर ब्राह्मणाः बताए हैं, अधिक चित्त शुद्ध वाले है, ये सामान्य कोई भी जो है साधक के लिए आ जाएगा, चित्त शुद्ध वाले साधक के लिए आ जाएगा, इति बृहदारण्य के, तब तो ये ब्राह्मण ही होगा, ऐसी ऐसा जो है अर्थ ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है बड़ा बड़ा महात्मा जो है, हम व्यास जी ही खुद ब्राह्मण नहीं है, तब तो उनमें जो है दोष आ जाएगा, और हम जिन जिन को भगवान मानते हैं वो कोई ब्राह्मण नहीं है, कृष्ण ले लो राम जी ले लो, कोई भी जो है ब्राह्मण नहीं है, तो इसमें सब दोष आ जाएगा, तो चित्त शुद्धि जिनमें आधिक्य है उनको यहाँ पर बता रहे हैं, इति बृहदारण्य के विविदिशा हेतुत्वम यज्ञादीनां दर्शयति, ऐसा जो है बृहदारण्य के उपनिषद में विविदिशा हेतु जानने की इच्छा से जो प्रवृत्ति है उसके कारण रूपी ये जो यज्ञादि इत्यादि को जो है वो परमात्मा को जानने का जो है एक कारण रूप में जो है यज्ञादि को जो है दिखाती है बृहदारण्यक उपनिषद नानु। ठीक है, अभी क्रमम शुद्धि अभाव मोक्षाभाव कर्मभिश्च तत्शुद्धि, वो भी हो चुका है, कर्मभिश्च तत्शुद्धि अश्विन विशुद्धि इत्यादि जो है करके कर्मों से ही वो जो है शुद्ध होगा वो दिखा दिए है, अभी इसका बात हो गया है, पहले हम लोग क्या समझे है, कर्म एकदम बेका है, धर्मम अधर्मार्थम स्पष्ट कर दिए, धर्म जो है कर्म जो है आपको और नीचे खींचने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, तो तब जो है नहीं 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 आगे जाके ये जो है पूरा कर्म छोड़ के जो है नास्तिक बन जाएगा, इसलिए क्या है कर्म किस रूप से जो है क्रम मुक्ति दे सकता है, मतलब चित्त शुद्धि के द्वारा, बिना चित्त शुद्धि जो है जो ज्ञान बताया वो समझ में नहीं आ सकता, इसलिए क्या है चित्त शुद्धि हेतु रूप में कर्म जो है उपयुक्त है, तब पूर्व पक्षी क्या समझ लेता है, अच्छा वही तो बता रहा था मैं, कर्म जो है प्रयोजन है ही है मोक्ष के लिए, कर्म का जो है साथ संबंध रखना ही पड़ेगा मोक्ष के लिए, तो ये अर्थ हम लोग भी तो ऐसे ही कहे है कर्म के साथ संबंध रखे है, तब हम लोग कहे ऐसा नहीं है, अद्वैती को जो है कर्म विरोध नहीं है, क्यों, चित्त शुद्धि मात्र हेतु है कर्म, मोक्ष हेतु नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जो चार प्रकार का फल है आप्यादि वो हो तो अनित्य हो जाएगा, यद कृतकम तद अनित्यम, ये सामान्य तर्क से जो है वो सारा फल जो है अनित्य हो जाएगा, कर्म से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो मोक्ष अनित्य तो हो जाएगा, और कोई जो है ऐसा स्वीकार नहीं करते,
तब कर्म के साथ जो संबंध है वेदांतियों का वो हमारे लिए स्पष्ट है, अभी भी जो है पूर्व पक्षी को स्पष्ट नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, कर्म के साथ संबंध रखना है, वही तो कह रहे हैं, मैं भी तो वही कह रहा था। तो इसमें भेद है, वो भेद क्या है, ननु विद्याम च विद्याम चेस्तद्वेदो भयं सह तपो विद्या च विप्रस्य नहि श्रेयसकरं परम इत्यादिना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विद्याम च विद्याम च यस्तद् वेद उभयम् सह, विद्या और अविद्या ये दोनों जो है, दोनों को जो जानता है, विद्या और अविद्या, यहाँ विद्या जो है ज्ञान नहीं है उपासना रूप में, तो विद्या और अविद्या जो दोनों को जानता है, तपो विद्या च विनिप्रस्य नहि श्रेयसकरं परम। तप और विद्या क्या है, निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए जो है परम मार्ग है। इत्यादि ना, इत्यादि से क्या है, कर्मणाम अपि अमृतत्व प्राप्ति हेतुत्व अवगम्यते, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी आ गया है। कर्म भी क्या है, यहां पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हेतु रूप में दिखाई पड़ रहा है श्रुति से ही। ऐसा जो है वहां पर पूर्व पक्षी जब पूछते हैं, हम कहते हैं सत्यम, ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अवगम्यते एव तद अपेक्षित शुद्धि द्वारे न च साक्षात, स्पष्ट कह दिया है, सत्यम अर्धांगीकारे, आप जो बेहतर रहे ठीक ही है, कर्म का अपेक्षा है, मगर कैसा अपेक्षा है उसमें जो है फर्क है, आपका समझ और मेरा समझ में कैसा अपेक्षा है। तो कह रहे अवगम्यते एव, ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है वहां पर, तद अपेक्षित शुद्धि द्वारेण, तद कर्म अपेक्षित शुद्धि द्वारेण, कर्म का अपेक्षा से जो है चित्त शुद्धि होता है उसके द्वारा मोक्ष, न च साक्षात, साक्षात जो है कर्म से मोक्ष हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तथा ही वैसे ही क्या है, विद्याम च अविद्याम च तपो विद्या च विप्रस्य नहि श्रेयसकरं परम इत्यादिना, ऐसा जो वाक्यों है, इस वाक्यों से क्या है, ज्ञान कर्मणोः निःश्रेयस हेतुत्वम् अभिधाय, ज्ञान और कर्मों को जो है निःश्रेयस हेतुत्व कह के उसके बाद स्वयं कहते हैं कथम अनयोः तद् हेतुत्वम् इति आकांक्षायाम, एक ऐसा दोनों जो है साथ साथ चलेगा क्या, या भिन्न भिन्न या क्रम रूप में कैसा है, मतलब आप जो है ज्ञान और कर्म को साथ साथ अभ्यास करना है, या ज्ञान को पहले अभ्यास करके बाद में कर्म, या कर्म को पहले अभ्यास करके ज्ञान को, ऐसा भिन्न भिन्न प्रक्रिया हो सकता है। तब क्या पूछ रहे हैं, ज्ञान कर्मणोः निःश्रेयस हेतुत्वम् अभिधाय कथम अनयोः तद् हेतुत्वम्, ये दोनों कैसा जो है उसका हेतु बनता है उसको जब पूछते वक्त, इति आकांक्षायाम, ऐसा आकांक्षा जब रहता है तब तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया अमृतमश्नुते, तपस से जो है ये जो कल्मष है अशुद्धि है वो नाश करके ज्ञान से जो है मोक्ष पा लेता है। अविद्या मृत्युं दीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, अविद्या से जो है मृत्यु को, कर्मों से जो है मृत्यु को पार करके ये जो विद्या से जो है अमरत्व प्राप्त करता है, मरण रहितत्व मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति वाक्य शेषेन कर्मणः कल्मष क्षय हेतुत्वं विद्यायाः अमृतत्व प्राप्ति हेतुत्वं प्रदर्शितम्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विद्या उपासना का अर्थ में नहीं है, यहाँ पर मोक्ष का ज्ञान का अर्थ में ही लिया है। तो वाक्य शेषेन, वाक्य शेष में क्या बता रहे हैं, कर्मणा कल्मष क्षय हेतुत्वं, कर्मों के द्वारा जो है चित्त शुद्धि हेतु, और विद्या के द्वारा जो है अमृतत्व प्राप्ति, ये जो है प्रदर्शितम दिखाए, स्वयं श्रुति ने दिखाए स्पष्ट रूप में। यत्र तु शुद्धि शुद्ध्यादि अवांतर कार्य अनुपदेश है, तत्रापि कार्यानुपदेश नहीं है, कार्य अनुपदेश है, तत्रापि शाखांतर उपसंहार न्यायेन उपसंहार कर्तव्य है। यहाँ पर नहीं 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 ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ऐसा बताया है न, अन्यत्र जो है ये कर्मों के बारे में कोई संबंध रहित जो है सीधा ज्ञान के द्वारा ही जो है मोक्ष है ऐसा बताया है, वहां पर कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा है, तब कहते हैं वैसा नहीं है भाई, यत्र
तु शुद्ध्यादि अवांतर कार्य अनुपदेश है। ये शुद्ध्यादि क्या है? अवांतर कार्य है, मुख्य नहीं है। जो मुख्य कार्य का जो ये जो मुख्य रहित जो कार्य है, अवांतर कार्य है, इसका जहाँ पर शुद्धि आदि का जो क्रम कैसा होना है, ये जो उपदेश नहीं हुआ है, तब क्या कहते हैं? शाकांतर उपसंहार न्याय न। ब्रह्मसूत्र में देखे हैं हम लोग शाकांतर उपसंहार न्याय। जैसा जो है एक शाखा में एक कर्म है, दूसरा शाखा में भी वही नाम के दूसरा कर्म है। जैसा पंचाग्नि विद्या आता है चांदोग्य में और बृहदारण्यक में, वहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, एक में जो है कुछ विशेष अधिक रूप में जो है गुण बताया है और अन्यत्र जो है कम रूपी गुण बताया है। यहाँ इतना ही गुण रख के मैं करना है या अधिक गुण वहाँ से वो भी स्वीकार कर सकता हूँ, ये प्रश्न है। तब हम क्या कहते हैं? नहीं, अधिकस्य अधिकम फलम अधिकम नैव दूष्यते इत्यादि जो तर्क लेके क्या कर देते हैं, यहाँ पर अधिक वो जो गुण है उसको यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं, अधिक गुण को यहाँ पर अध्यार करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? शाखांतर उपसंहार न्याय ने गुणोपसंहार न्याय के द्वारा उपसंहार कर्तव्य है, यहाँ पर भी जो है उसको अध्यार करके जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो तब भी जो है हमारा संस्कार इतना दृढ़ है, कर्म को छोड़ने का जो है हमें बिल्कुल होता ही नहीं है, दृढ़ इतना संस्कार है। इसलिए क्या पूछेगा? कर्म को छोड़ना भी एक प्रकार का कर्म ही तो है, उस कर्म को छोड़ने के लिए क्या करोगे? संस्कार इतना दृढ़ है, ये कर्मों को छोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कर्मों को छोड़ने के लिए एक कर्म कर रहा हूं, ये सब जो है मैं छोड़ दिया, सन्यासी क्यों ना हो, तो वो तो एक कर्म हो गया है, उस कर्म तो फल ही देगा। उसको छोड़ने के लिए एक और कर्म, उसको छोड़ने के लिए अनवस्था दोषी रूप जो है यहाँ पर दोष आ जाएगा। तो ये सब यहाँ पर हम लोगों का सिद्धांत में लागू नहीं होता है। तो क्या कहते हैं? ननु कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषे चतकम समाह इति याव जीव कर्मानुष्ठान नियमे सति कथम विद्याया मोक्ष साधनत्वम्। तो क्या कह रहे? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे चतकम समाह एवं त्वयि नान्यथोस्ति, ऐसा करके जो है वहाँ पर मंत्र आता है। यहाँ पर क्या कह रहे? कुर्वन, इतना ही अंश हमारे हमारे लिए मुख्य है। कुर्वन एव इह कर्माणि, इह कर्माणि कुर्वन एव, यहाँ जो है कर्मों को करके ही निश्चय रूप से क्या है? जिजीविषेत, जीवितुम इच्छेत, जीने का इच्छा करो, आशा करो। शतम समाह जीवितुम इच्छेत, कैसा? 100 साल तक पूर्ण आयु, 100 साल मतलब 100 साल नहीं है, पूर्ण आयु। तब 100 साल तक मतलब कर्म करने वाला जो है 100 साल तक रहना है, ये एक गड़बड़ है। या तो 100 साल के अधिक कोई रह गया तो शास्त्र विरोध हो जाएगा। तो 100 साल मतलब क्या है? पूर्ण आयु, जितना भी तुम्हारा आयु है वो पूर्ण आयु को क्या करना है? कर्म करके ही जो है हम यापन करना है, कर्म को त्यागना नहीं है, नित्य नैमित्तिकादि कर्म को त्यागना नहीं है, यही पूर्व मीमांसक का जो है सिद्धांत है। इसलिए क्या है? वो लोग संन्यास और सन्यासी को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग कर्म को छोड़ दिए, कर्मत्यागी को वो लोग मानते ही नहीं हैं। इसलिए कर्मत्यागी कौन हो सकता है? इति जो है जब वहाँ पर विचार होता है, जो षंड इत्यादि उनको जो है लेके आते हैं, जो अंग विकल उन लोगों को जो है अधिकारित्व है, ऐसा जो है बता देते हैं, न कि जो अधिकृत है और जो पूर्ण अंग सहित है उनके लिए नहीं है, ऐसा जो है उनका सिद्धांत है। तो इसलिए वो बलवत प्रमाण लेके आके बता रहे हैं, श्रुति प्रमाण ही, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषे चतम समाह, यहाँ जो है कर्म करके करके ही जो है पूर्ण आयु जीने का इच्छा करो, कर्म छोड़ के नहीं। इति यावत् जीव कर्मानुष्ठान नियमेन नियमे सति, क्योंकि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात अहर हर संध्यामुपासीत, दोनों वाक्य
यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जब तक जिंदा है तब तक अग्निहोत्र कर्म करते रहो, एक। और अहर अहर संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या वंदन का कर्म करना पड़ेगा। ये दोनों कर्म जो है नित्य कर्म है, इसको जो है त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए यावत जीव श्रुति लेके आके बता रहे हैं, यावत जीव कर्म अनुष्ठान नियम स्थिति, ऐसा नियम होने से तब कथम विद्या या मोक्ष साधनत्वम, कैसा जो विद्या मोक्ष साधन आप कह सकते हैं, विद्या एकमात्र काफी है मोक्ष के लिए, ऐसा ज्ञान एकमात्र काफी है, ऐसा कैसा कह सकते हैं? तब कहते हैं उच्यते, हम कहते हैं भाई कर्मणि अधिकृतस्य अयम नियमः न अनधिकृतस्य अनियोज्यस्य ब्रह्मवादिनः। कर्मणि अधिकृतस्य अयम नियमः, ये जो नियम आप पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं ये ठीक ही है, मगर किन के ऊपर लागू होगा? ये कर्म में जो अधिकृत है, ये कर्म करने के लिए मेरे अंदर अधिकार है, मैं ब्राह्मण आदि हूँ, मेरे पास जो है धन दौलत भी है इसको करने के लिए, ये जिनके अंदर ये अहंकार है उनके लिए। और हम जिनको जिनके नाम जिनके बारे में बता रहे हैं, अनधिकृतस्य न अनधिकृतस्य। जब देखिए अहर अहर संध्याम उपासित विधि है, ठीक है, अहर अहर संध्याम उपासित, मैं संध्या वंदन कर सकता हूं? आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है? नहीं, तब नहीं कर सकते। तो यहां पर ब्राह्मणस्येव अधिकार है, स्त्रियां शूद्राणाम अनधिकार है, ऐसा बताया है। ये जो अग्नि आदि कर्म करने के लिए स्त्री शूद्रों का जो है अधिकार नहीं है ये बता दिया है। अनधिकृत चेष्टा वहां पर नहीं करना चाहिए। ये जो है अग्नि को जो है आवाहन करके उसके बाद उस पर जो है आहुति देना क्रम है। इलाहाबाद में बताया मैंने, जो हम लोग ठंड के लिए जो आग सेक रहे थे, हाँ, तब वहाँ थोड़ा हट जाइए महाराज जी बोल के जो है एक वृद्ध माता वहाँ उसमें स्वाहा कर रही थी। मैं बोला इसमें क्या कर रहे हो? हवन कर रही हूँ, नित्य करती हूँ मैं। देखा इस उम्र के बाद इनको जो है बता के क्या फायदा है, चलो कुछ भी करने दो, फल नहीं है तो भी जो है अनर्थ फल तो नहीं होने वाला है, कुछ तो श्रद्धा है करने दो बोल के मैं जो है हट गया। अभी ये नहीं है, ये अनधिकृत चेष्टा है, इसमें कोई फल लाभ नहीं है। ये आप क्या करते हैं? ये सब ब्राह्मण लोग ही करते हैं। एक बार जो है मेरे पास यही प्रश्न आया था, ये जो एक स्त्री थी वो जो है दक्षिण के ही, उस जमाने का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सब छोड़ छाड़ के जो है वो ऋषिकेश में ही रहती है, तो बहुत साल से ऋषिकेश में रही है। तो एक बार जो है उनको जिस मंदिर में जो वेद पढ़ रहा था मैं, उस मंदिर में मिला मैंने उनको, तो वो बता रहे थे दक्षिण का मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये लोग जो है यहाँ से दक्षिण मंदिर बहुत अच्छा है, वो लोग अच्छी सी जो है पूजा करते हैं करके जो है जाते हैं, और ये कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता। क्यों? अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं, मैं ब्राह्मणी हूँ मुझे अंदर नहीं जाने के लिए नहीं देते। मैं बोला तुम ब्राह्मणी हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे स्वयं जो अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं, आपको क्या है? तो यहाँ नहीं शंकराचार्य, मैं बोला उनको मत ले के आओ यहाँ पर, उनको मत ले के आओ। क्यों क्यों? मैं बोला उनका अधिकार जो है वेदांत शास्त्र में, ये जो है वेद शास्त्र में, वो स्वयं जो है निराकरण नहीं करेंगे इसको, वहाँ जो है तुम जा सकते हो ऐसा निराकरण नहीं कर सकते हो स्वयं, उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर है ये विषय। तो कुछ कहते कहते जो है ऐसा ऐसा है, ये महात्मा को मैं मानता हूँ, वो जो पीठ है उसमें जो महात्मा है उनको नहीं मानता हूँ, शंकराचार्य पीठ में कोई नया माया महात्मा जो बिठाए हैं उनको नहीं मानती है वो। मैं बोला तब तो उसके पहले उनको तो बहुत मानती हूँ। तो मैं बोला इनको मानती नहीं हो और उनको मानती हो, हाँ हाँ। मैं बोला उनको भी मानना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको क्यों? उनको जो बिठाया उनको ऐसा करके शंकराचार्य तक जो है हम लोग लेके जाएंगे, वहाँ तक दोष है, क्योंकि वो महात्मा जी जब आश्रम स्थापित किए उनका जो चेले को जो बिठाए है उन्हीं से जो है गलती स्थापित, ये जो है गलती का परंपरा चालू हो गया।
अब उनको दोष दे रहे, मैं बोला मैं नहीं आप दे रहे हैं। तो ये बात क्या है यहाँ पर, एक अंश को लेके अर्धजर्तीय न्याय यहाँ नहीं चलता, इसके लिए बता रहा हूँ अर्धजर्तीय न्याय नहीं चलता है। पीठ का कोई मर्यादा है उसको तो देना ही पड़ेगा आपको, उस पे जो है कोई गधे को आके बिठाएंगे तो भी वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो वहां पर वो कैसा है, इनको क्यों नहीं लेके आते, ये सब तर्क वहां नहीं चलता है। आज आधुनिक जो है लोग ऐसा तर्क करने लग जाते हैं, वैसा जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें। तो यहां पर क्या है, न अनधिकृतस्य, अनधिकृत चेष्टा वो कह रहा था मैंने, ब्राह्मण लोग होने से भी जो है पूजा घर में नहीं जा सकते, गर्भगृह में जो है नहीं जा सकते हैं। ब्राह्मण हूं इसलिए जो है क्षत्रिय के लिए जो विहित कर्म है उसको मैं कर सकता हूं क्या, अधिकृत हूं मेरे पास धन दौलत है, ऐसा करके जो है वो राजा ब्राह्मण के लिए जो बताया गया कर्म वो कर सकता है क्या, नहीं। अधिकृत होने से भी जो है तत्त कर्म अधिकार वहां पर मुख्य है, इसलिए न अनधिकृतस्य। एक सामान्य अर्थ, यदि उनको जो है ब्रह्मवादी में जो है लेके आएंगे अनधिकृतस्य, ये जो है ब्रह्म, ये सामान्य अनधिकृतस्य जो है सामान्य सब में जो है लागू हो जाएगा। अनधिकृतस्य ब्रह्मवादिनः और अनियोज्यस्य ब्रह्मवादिनः करके जो है दो विशेषण ब्रह्मवादी के लिए लिया तो तब क्या होगा, ब्रह्मवादी क्या है, कौन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो वर्ण से अपर है, उसके परे है, और गृहस्थादि धर्म से जो है भी परे, ब्रह्मचर्यादि गृहस्थादि धर्म से भी जो है परे है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचम, ये पांच प्रकार का जो है हम लोग वर्ण मानते हैं, तो इससे भी परे छठे जो वर्णाश्रम में जो है नहीं पड़ता, इसलिए क्या कहते हैं, अति वर्णाश्रमी, अति वर्णाश्रमी, वर्ण से भी परे है आश्रम से भी परे है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी को क्या कहते हैं, अति वर्णाश्रमी अनधिकृतस्य, जो वर्ण और आश्रम से अति है परे है उनको जो है अधिकार बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दूसरा मुख्य हेतु अनियोज्यस्य, उनको जो है स्वयं श्रुति नहीं नियोजन कर सकता है कोई कर्म में, को विधि को निषेध करके जो है उसको निराकरण कर चुके हैं, इसलिए स्वयं श्रुति नहीं नियोजन कर सकता है उसमें, तो उसके लिए कह रहे हैं। तथा अच्छा ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये जो है सूत्रभूत वाक्य है उसको व्याख्या कर रहे हैं। तथा अच्छा विदुषः कर्म अनधिकारम दर्शयति श्रुति, विद्वान को जो है कर्म में अधिकार तो नहीं है उसको बता रही है श्रुति। न एतत् विद्वान ऋषिना विधेयो न रुध्यते विधिना शब्दचारः, शब्दचारः न एतत् विद्वान ऋषिना विधेयः न रुध्यते विधिना, ये जो वेद है शब्दचार है, वेद क्या है, न एतद् विधि विद्वान, ये जो विद्वान को जो है ऋषि, विद्वान ऋषि को जो है न विधेयः, विधित नहीं कर सकता है, तुम ये कर्म करना है ये विहित नहीं कर सकता है विद्वान ऋषि को, इतना नहीं है न रुध्यते अवरोध भी नहीं कर सकता, तुम जो है इसको निरोध भी नहीं कर सकता, तुम इसको नहीं करना है बोल के, तो इनको जो है विश कर्म में धकेल भी नहीं सकता है और जो है निवारण भी नहीं कर सकता है, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, उनका मन मर्जी है। तो ये शास्त्र शब्दचार जो वेद शास्त्र जो है वो उनको नियोजन नहीं कर सकता है। ये तदस्म वै तत्पूर्व विद्वान विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुयान चक्रिरे, तो ये सब प्रमाण लेके जो है पहले लोग जमाने पहले जमाने में कोई अग्निहोत्र नहीं करते थे, ये बात लेके नहीं आना चाहिए, सामान्य ऐसा अर्थ घटा देंगे यहाँ पर, ये नहीं है यहाँ पर, क्या है ये तदहस्म इत्यादि करके जो है श्रुति याद करके मतलब अनुभव करके बता रही है, निश्चय रूप से भाई निश्चय रूप से तत्पूर्वे विद्वांस है, इस जो पहले जो विद्वान लोग थे वह क्या है अग्निहोत्रम न जुहुयांच क्रे, विद्वान लोग ज्ञानी लोग, विद्वान यहाँ पर ज्ञानी को कहते हैं,
तो ज्ञानी लोग जो है अग्निहोत्र इत्यादि कर्म नहीं करते थे। ये तम वै तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्ताय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। संन्यास के लिए जो है एक प्रमाण भी बता रहे हैं, क्या है? एतं वै तम आत्मानं विदित्वा, एतं वै तम आत्मानं, जो अभी बताए हैं उस आत्मा को जान के, विदित्वा जान के, ब्राह्मणाः ये जो ब्रह्मज्ञानी लोग है वह क्या है? ब्राह्मणाः यहाँ पर जात्यर्थ नहीं है, यहाँ ब्रह्मणि नितराम तिष्ठति, यह सह ब्रह्म में निष्ठा जो प्राप्त कर रखे वह लोग पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा रूपी जो जो त्रिविध येषणा है, येषणा त्रय है, वित्ताय उससे जो ऊपर उठ के अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, वो लोग जो है भिक्षाचरण मतलब संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेते, भीख मांगने लगते है नहीं है, संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेते है। ये तदस्म वै तद विद्वांसो, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शिव मंदिर में 2:30 बजे तक आचार्य जी का